मैं आकाश कुमार, स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो में। तो फाइनली आज हमारे सामने है पंच, जो कि बहुत ही इंतज़ार के बाद हमारे हजारीबाग में अब लॉन्च हो चुकी है टाटा की ये पंच। तो तीन कलर में हमारे पास अभी अवेलेबल है, ग्रे, ब्लू और कॉफ़ी कलर में। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं गाड़ी, या गाड़ी का क्या लुक है, कैसा दिख जाता है बाहर से। ये देखिए ऐसा है कुछ फ्रंट का लुक, है कुछ नेक्सॉन का लुक। तो देख सकते हैं ज़्यादा कुछ डिफरेंट तो दिखता नहीं है। बाकी हेडलाइट का तो आपको हैरियर वाला ही बम्पर दिया गया है, और ये प्रोजेक्टर जो कि येलो लाइट के साथ आता है। कुछ लोगों को येलो पसंद है, कुछ लोगों को वाइट पसंद है, बट यहाँ येलो आता है। और ये आपको यहाँ पे मिल जाता है फॉग लैंप, जो कि ये क्रिएटिव वर्जन है, तो इसमें सारा कुछ इनबिल्ड है। ऐसा कुछ है फ्रंट का लुक। अब बात करें हम इधर की, तो इसमें आ जाता है आपको डुअल टोन ORBMs, पियानो ब्लैक विथ ब्लैक, और इनबिल्ड इंडिकेटर भी आ जाता है साथ में। अब बात करें इधर, तो आपको ये फ्यूल टैंक कितने लीटर का है मैं साइड में लिख दिया हूँ। और ये ट्राई एरो सेप, जो कि टाटा के हर गाड़ियों में होता है, वैसा इस बार इसमें हेडलाइट भी दे दिया गया है वैसा ही सेम। और हैंडल बार आपका अल्ट्रोज वाला, जो अल्ट्रोज में था यहाँ पे, वही इसमें भी आ रहा है। बाकी ये वैसा यार, साथ में आपको रूफ रेल भी डुअल टोन में आता है। क्रिएटिव के सारे वेरियंट डुअल टोन में आते हैं, और इसमें रूफ रेल लगा हुआ आता है। अब बात करते हैं हम बूट स्पेस की, तो आपको इसमें 300 याद तो नहीं एग्जैक्ट, बट 300 कुछ लीटर का आ जाता है बूट स्पेस, जो कि काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। देख सकते हैं इन सेगमेंट में कोई कम तो इसे नहीं बोल सकता, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं, और इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, ये दोनों दोनों सीट जाएंगे, आधा आधा जो होता है वो नहीं होगा, इसमें पूरा जाएगा। और आपको रियर कैमरा इसमें मिल जाता है यहाँ पे, और फ्रंट डिफॉगर विथ वाइपर। और इसमें ये क्या, यहाँ शेर का लोगो नहीं है, इसमें ये सांड बोलते हैं जिसको, गेंडा उसका लोगो है। और इधर भी हेडलाइट। और पीछे की बात करें, तो पीछे में आपको यहाँ पर एक मड फ्लैग का कमी यहाँ दिखता है, या यहाँ मड फ्लैग हो जाएगा तो चक्का ढक जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। पीछे दो सेंसर आते हैं, और यहाँ पे कोई लाइट नहीं आता है, आना चाहिए था, क्योंकि टॉप मॉडल है तो यहाँ लाइट जो भी आता है, स्पेस जो खाली है वो आना चाहिए था। ये दो सेंसर आते हैं, ऐसा कुछ ये साइड का लुक। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या मिले। सॉरी, मैं टायर दिखाना भूल गया था। तो ऐसे कुछ ये टायर आ जाते हैं, अपोलो के टायर आते हैं। इसमें 195/60 R16 के टायर हैं, और इससे बेस वेरिएंट जो है उसमें शायद 180/70 R16 के अलावा आते हैं। इसमें ये है इस चारों। अब बाकी बात करें तो अंदर, हम चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या मिल जाता है। तो अंदर की इंटीरियर की बात करें, तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है अंदर का इंटीरियर, कि इसमें लाया नहीं, बट कोई नहीं, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। और ये ऐसी दिखती है हमारी टाटा पंच, ये अल्ट्रोज वाले ही मीटर हैं, आधा एनालॉग और आधा डिजिटल, और सारे कंट्रोल यहाँ पे, और यहाँ पे वाइपर के, यहाँ हॉर्न, और इसमें कंट्रोल आ जाते हैं चारों। इसमें पियानो ब्लैक फ्रीस आता तो ज़्यादा मज़ा होता, बट कोई नहीं, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। क्रूज कंट्रोल के बटन्स यहाँ हैं, यहाँ साउंड्स के, ब्लूटूथ के, और ये इसमें आता है ऑटोमेटिक एसी, ये सारे कंट्रोल, डिफोगर, एसी ऑन ऑफ, बाकी जो भी जनरल आते हैं वो। और ये इसमें बॉडी कलर तो नहीं बोलेंगे हम, मुझे जहाँ तक पता था यूट्यूब में मैंने भी देखा था कि बॉडी कलर के ये आएंगे, बट ये बॉडी कलर नहीं है, ये ब्लू है, गाड़ी ग्रे है। और यहाँ पे ब्लू का फिनिश टच दिया गया, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। बात करें स्पीकर की, तो इसमें भाई इसका कोई तोड़ नहीं है, चार स्पीकर हैं, चार ही ट्विटर है, बट एक अगर हम बेस ट्यूब लगाते हैं पीछे तो सिर्फ पीछे आवाज़ आता है, बट इसमें पूरा चारों ओर से आवाज़ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यह सिटी मोड और इको मोड का बटन यहाँ पर आ जाता है, अडी फोगर ये क्या है पता नहीं, मुझे भी उतना नॉलेज नहीं। इंजन स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट का बटन, और ये हजार्ड लाइट का, अब हजार्ड बोलिए या जो बोलिए, ऐसा कुछ लुक आ जाता है मेरा हाई। और ये सॉरी, ये मैनुअल डे नाइट, और क्या बोलते हैं IRBM, और ये IRBM या जो बोलते हैं लुकिंग ग्लास समझ लीजिए। और ये है सेंसर, जिसमें इसमें आपका ऑटोमेटिक वाइपर आ जाता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प आ जाता है। तो दोनों अगर बारिश होते हैं तो वाइपर आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिक आपका हेडलैम्प चालू हो जाएगा। बात करें स्पेस की, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लेग रूम भी मिल जाता है। मेरा हाइट 5'8" है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्टेयरिंग भी एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे हो सकता है। और ये आपका ग्लोव बॉक्स, ऐसा कुछ मिल जाता है ग्लोव बॉक्स, गाड़ी के साइज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये भी कूल ग्लोव बॉक्स है, जो कि हमें नेक्सॉन और अल्ट्रोज में मिल जाता था। अब बात करें तो ये टच, इसमें थोड़ा वो रफ़ वाला चारों रखा गया है, जैसे देख सकते हैं जो होता है ना कि पूरा स्मूथ साइन, वो नहीं, इसमें थोड़ा रफनेस का यूज किया गया है। देख सकते हैं ये बॉडी में, ये क्या बोलें इसको, और ये चारों पावर विंडो, और ये
हैंडल भी है सो मेटेलिक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे सारे ट्विटर के सेटअप, ये एक ट्विटर यहाँ पे है और एक स्पीकर यहाँ पे है चारों डोर्स पे, और ये RBM RBM ऑपरेट करने के लिए सारे बटन यहाँ पे है कंट्रोल, और ये गियर आता है 5 गियर में गाड़ी, रिवर्स मिला के 6, और हैंड ब्रेक के पास यहाँ कोई आर्मरेस्ट नहीं आता है, आता तो थोड़ा और अच्छा लगता देखने में बट नहीं है तो कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। और पीछे भी कोई एसी वेंट नहीं आता है, ये थोड़ा सा फ़ोन रखने या कुछ रखने का स्पेस के काम आ सकता है अगर फ़ोन आप चार्ज लगाते हैं तो। और ये 2 कप होल्डर, और सीट आपका इसमें एडजस्टेबल आ जाता है एक कंप्लीट के बाद, ये हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। और यहाँ पे आपका फ्यूल वाला खोलने के लिए, और यहाँ पे है आपका ये किधर गया यहाँ है ये आपका बोनेट खोलने वाला। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे हमें क्या क्या मिल जाता है। और बात करें पीछे की तो मैंने 5-8 के हिसाब से एडजस्ट कर लिया था सीट, तो ऐसा है ये लेग रूम जो कि ये भी अच्छा लग रहा है। ऐसा गाड़ी जितना मतलब हम सोच रहे थे उससे काफ़ी बड़ा है, और इसमें आर्मरेस्ट भी आ जाता है। आर्मरेस्ट सही बोले तो पीछे बैठने का मज़ा आर्मरेस्ट के साथ ही है, वरना मज़ा नहीं आता है। और इधर ऐसा वाइट का टचअप दिया गया है दोनों साइड से, ऐसा लगा था कि ये पूरा रहेगा बट नहीं है, पूरा रफनेस है पूरे बॉडी में, वो बोल सकते हैं कि सॉलिड फील जो देता है मजबूती वाला वो है। और ऐसा कुछ आपका ये सीट 260 नहीं है, ये सीट बेल्ट विद हाई लोड लिमिटर क्या बोलते हैं, तो ऐसा है कुछ। शायद मैं कुछ छोड़ रहा हूँ बताने के लिए, नहीं यहाँ एसी नहीं है, छोटा गाड़ी है तो एसी का ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि टाटा के एसी मैंने देखे हैं कि काफ़ी असरदार होते हैं। और ये हारमोन का म्यूजिक सिस्टम भी आ जाता है, मैं बताना भूल गया था, इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको इसका म्यूजिक टेस्ट आपको सुना देंगे। अब चलते हैं बाहर, ये कस्टमर आ रहे हैं। और तो फाइनली ऐसी है कुछ टाटा पंच, जिसकी प्राइस आपको इसकी प्राइस लगभग 970,000 के आसपास पड़ती है आयरा के साथ, मैं डिस्प्ले में फुल प्राइस का ये आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।